काफ़िरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे वो ध्वनि हो, अलंकार हो, चाहे अलंकार ध्वनि हो, लेकिन रूप गोस्वामी की ध्वनि की जो प्रकाशता है, अलंकारों की, छंदों की प्रकाशता है, उसका तोड़ का, उसका जोड़ का, उसका मोड़ का आज तक कोई ना हुआ और ना होगा। ये सब हम लोग विद्वान अनुभव करते हैं, ये कोई अतिशय उक्ति नहीं है। तो मैं केवल रूप गोस्वामी बात के कुछ उनका वैशिष्ट्य है, वैसे रूप गोस्वामी पाद जी का अनंत वैशिष्ट्य है। ये बड़े मार्मिक, कभी कभी नहीं कहा जाता है तो दादा जी का अनुगत जन है, लेकिन इनका जो काव्य है, इनका जो विवेचना है, उस विवेचना को देख के व्यास देव आदि कवि भी मूर्छित हो जाते। जहाँ पर भक्ति रस में सिंधु का आरंभ करते हैं और जहाँ पर उज्ज्वल निर्मल के विश्राम में रूप गोस्वामी पाद जी जो शास्त्रों का जो मर्यादा है, नियम, उसको इतना सुंदर ढंग से यहाँ उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उत्पत्ति च लिंगम तात्पर्य बातों का जहाँ शास्त्रों में विशेष ध्यान दिया जाता है, नहीं तो लिंग का शास्त्र का तात्पर्य नहीं आया। लेकिन इन छह बातों में भी दो बातों की विशेषता अधिक होती है, एक उपक्रम और एक उपसंग्रह, ये दोनों को मिलना बहुत जरूरी है। और बीच में जब अभ्यास हो वही वस्तु का भाव सोना में चला गया, जैसे भागवत में आप देखेंगे ना, अंदर न जाके रूप गोस्वामी को चलो का जो विषय याद है श्री रूप गोस्वामी ने कहा। तो जहाँ पर रूप गोस्वामी पाद जी रस का, क्योंकि इसको बोलते रस रस अनंत आचार्य, रूप गोस्वामी पाद जी के वैशिष्ट है, क्योंकि आराम भी रस से किया और समाप्ति भी रस में किया। लेकिन रस में ऐसा नहीं कि तत्व सिद्धांत नहीं, क्योंकि बिना सिद्धांत सत्य के रस की स्थिति नहीं अखिल रसामृत मूर्ति, जहाँ पर उन्होंने आरंभ किया मंगल अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्तिवरण रुचि रूद्र तारका पाली कलित श्यामो ललितो राधा प्रयान विदुर जय। और जहाँ पर इनका उपसंहार कर रहे वहाँ भी कह रहे हैं अतलत्वाद अपारत्वाद आप तो असो कृति गाता स्पर्शन परम ततश्चेन भक्ति रसाती मधुरोमय रसाती मधुरोमय। ये दोनों जो उपक्रम उपसंहार है, दोनों में ही रूप गोस्वामी पाद जी भक्ति रस में सिंधु का और उज्ज्वल निर्मल का, जबकि दोनों एक ही ग्रंथ, एक ग्रंथ का दो भाग, एक उज्ज्वल निर्मल एक भक्ति रस प्रथम भाग भक्ति रस में सिंधु है और उनका जो अवशिष्ट है प्रशिष्ट है वो उज्ज्वल निर्मल। तो यहाँ रस से आरंभ किया अखिल रसामृत मूर्ति और समाप्ति भी रस से की, कृष्ण परम तत्त्वे रसादि मधुरोमय। जब उन्होंने विवेचना की, विवेचना में कोई कमी नहीं छोड़े, लेकिन इनकी दैन्यता कर विवेचना में अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण के पूरे सौंदर्य माधुर्य का वर्णन उन जैसा किया कोई नहीं किया। महेंद्र मणि मंडली मद विडंबि देह श्रुति ब्रजेंद्र कुल चंद्रमा स्मृत को अपि नव्यो जुआ सखी स्थिर निकर कुलांगना निवि दीर्घाकला चिराकरण कौतकी जयति जस्य बंसी। सारे रूप माधुरी गुण माधुरी लीला का जो माधुर्य है, जो रस है, रसो वैसा उसका वहाँ पर रसामृत अखिल रसामृत। लेकिन हमारे आचार्यों की विशेषता था, उन्होंने रस और भाव को अलग नहीं बनाया, जाति तो अलग है, लीला रस असवादी थे धरे कोई, लेकिन जो रस है वही भाव है और जो भाव है वो रस है, क्योंकि बिना रस का भाव के बिना भाव न भाव न सुरसो न रस भाव विवर्जित। काव्य का हमारे बलदेव विद्यापति पाठ पूर्व शार्दो ने इस बात को माना है कि भाव और रस दोनों परस्पर अभिन्न ही बनते हैं। तभी तो कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि आप हमारे प्रियतम हैं और मैं आपका प्रियतम हूँ, आप हमारे प्रियतम हैं मैं आपका प्रियतम हूँ, ये प्रभाव स्वम में प्राण अहम अपि न जतस्तु राज साधु राज तवास्मि स्वम अहम अपि तवास्मि इति अंत प्रजन प्रवाद व्यवहार नहीं तो समझित जुस्मत अस्मत प्रजवा। आप हमारे मैं आपको हूँ, ये जो जुस्मत का प्रयोग है ये केवल व्यवहार मात्र। रूप गोस्वामी पाद जी कहे कि उस रस का विवेचना कैसे किया, क्योंकि उस रस को विवेचना करना वैसे कोई छोटी सी बात नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ा सुंदर ध्वनि दी। वैसे तो श्लोककार द्वारा अतत्वाद अपारत्वाद आप तो असल पूर्वी का नाम कृष्ण परम तदस्ते न रसाब्दि मधुरमय, मैं इसको गंभीर और अतल समझ करके पारावार शून्य समझ करके, क्योंकि इसमें गिरूंगा डूबूंगा तो फिर
निकल नहीं पाऊं घर से, मैंने इसको चट में बैठ करके स्पर्श करने के लिए और इसका भाव क्योंकि ये लोग उस रस में डूबना नहीं चाहते, डूबना नहीं चाहते बल्कि चट में बैठ कर उस माधुर्य का स्पर्श करते हैं, क्योंकि सतत भाव इच्छा में क्योंकि अगर उनको सिर्फ पांच इस रस में डूब जाते हैं जैसे राधा माधव डूब जाते हैं, इस रस के अभिव्यक्ति कौन करते? यदि आप राधा माधव से पूछो इस बिहार में क्या हुआ, वहां पर स्वयं को पता नहीं कौन रमन है कौन रमनी है, राय रमन जी प्रसंग महाप्रभु जी के सामने पहले ही राग में जो बोले नयन मंगल न सो रमन ना हम रमन, बोले बस करो, जहां पर ये बोध ही रहता कि कौन प्रिया है कौन प्रिय वो फिर क्या बताएंगे माधुरी को, लेकिन रूप गोस्वामी जी पास तट में खड़े होकर ये रूप गोस्वामी पास की विशेषता के तट में खड़े होकर के दोनों माधुर्य को देख रहे रस और भाव दोनों का, कौन खड़ा होगा न तो रस खड़ा हो पा रहा है भाव खड़ा हो रहा है, तो रस को किसी के बंसी करा रहे उपति और राधिका जी की उनकी दशा हो जाती है, रूप गोस्वामी जी बहुत अपने काव्यों में ललित माधव उदय माधव में बोल रहे हैं कि हे मेधावी राधिके तुम तो बहुत मेधा संपन्न हो, सुभानुराज नंदिनी हो, समस्त कलाओं विद्याओं पारंगत हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम क्यों? आपका प्रेम कैसा हो गया जमराज के जैसा काम कर रहा है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए सर्वथा ध्वंस रहित ध्वंस कारण है परिभाषा जैसे भाव बंधनों जुनों सब प्रेमा नहीं करते, क्यों कृष्ण बोल रहे हैं जमीन का पूर्व राग की अवस्था जब वर्णन आता है ये कर्म सूत्र लेगा, ये सारे पूर्व राग और जितने भी जो परिभाषाएं कृष्ण ने कोई नहीं दिया और कोई देगा भी नहीं, क्योंकि एक बात महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के जो कृपा प्राप्ति है चाहे वो जय जय रूप में पाद हुए चाहे बिल्व मंगल ठाकुर जी हुए जबकि पूर्व में आए महाप्रभु जी से, लेकिन इनके मध्य महाप्रभु जी का भाव का भी भाव है, अन्यथा उसको वीर गोविंद जैसे काव्यों की रचना चाहिए नहीं करते, जितने भी कवि हुए और जो होंगे जो रामानुजाचार्य में जो गोदा आदि हुए और जो जो उनके दस जो अलवर का उन गोदा देवी जी और भी कई अलवरों ने कुछ व्रत के भावों को हमारा जीवन का अधिकार है कि मैं उस समय में वृंदावन में शरीर को प्राप्त नहीं किया, जिस समय राधा माधव वहां पर विहार कर रहे थे, जिस समय कृष्ण ने लीलाओं में रासलीला के अंतर ध्यान के उपरांत राधिका जी विगत होकर के हा नाथ रमन प्रेस करके यमुना के रस में विलुप्त हो गई थी और तप्त शरीर को शीतल पालुका कणाओं में सुशांत की थी, वो जीवन वो स्थान उनको कब बड़े बड़े आलोकों आते जबकि उनके ये भाव नहीं, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं महाप्रभु जी का भी महापुरुष जी को छोड़ करके जो ब्रज का जो प्रेम है प्रेमा नामा दूता सर्वन पथगत शस्त नाम नाम महिमना को वेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुर्य सी प्रवेश को वा जानाति राधां परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा मेकस चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्व आविष्ट। ये जो हम जल्द पर जल्द की जल्द जो कर रहे भागवत के विचारों को जो सठ तंद्रवादी का अगर ये लोग हमको नहीं देते तो हम उनको जितने भी उनके कृपा को प्राप्त पूरा नहीं कह सकता क्योंकि पारावर सिंधु
बराबर भक्ति रस सिंधु महापुरुष पहले बोले तुम्हार चखाई से कही है कभी नहीं, क्योंकि पूर्ण स्वयं कृष्ण भी नहीं कर सकते, अनुभव हो सकता है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। और क्योंकि अचिंत्या संजय भावन स्थान्तर के नोजय प्रकृति भाई परम जाचकर अचिंत तर्को प्रतिस्पर्धा नैको ऋषि मतम न भिन्नम, इसलिए इस पर तर्क मत करो, क्योंकि ये जो भाव है ये केवल अनुभव गम्य है, संवेद है अभिव्यक्त नहीं। और किसको हो सकता है? बोले सबको नहीं। सर्वथा सुद्रोहायम भक्ते भगवत रसा तद पदाम मुझे सर्वस्व भक्ते निवान हुई। ये जो भगवत रस और जो भाव है भक्तों से बहुत दुर्लभ बोले जिनको, तद पदाम मुझे सर्वस्व, तद कहने से तद ये नाम समझ रहा, तद कहने से कृष्ण को सर्वस्व मान ली उनको भी नहीं वर्तता साम सुंदर सत्य अवकाश अजय महाराज जी बोले तद पदाम मुझे, मतलब श्री राधिका के चरणों को जिन्होंने सर्वस्व माना उनको परम स्वादन मिला। जब निकुंज के द्वार पर रूप मंजरे जी खड़े हैं और राधा जी बोल रहे हैं तटो यम नावे तो मत आने दो अभी ये विश्राम दो, कृष्ण वहां आके खड़े हो गए। अरूप मजरी कह रहे आपको प्रवेश नहीं हो सकता। एक 12 साल की बालिका मंजरी और कृष्ण कह रहे आप अंदर नहीं जा सकते। साहस जन नारद आदि सुख अगम्या वृंदा बनी गंधे कुंजो जो ब्रह्मा आदि नारद सुखदेव कृष्ण को ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए अगम्य दुर्लभ है और उनके कह रहे को नहीं। राधा पदाम मुझे रजक कल साहसे न करो विचारते कृष्ण जानते हैं कृष्ण भी कम नहीं है, इनका भी सौंदर्य प्रकाश का है लेकिन मंजरियों का राधा जी के चरणों का झूले की इतना शक्ति प्राप्त है उस सौंदर्य के आगे खड़े होकर के बात प्रकाशों के आगे लजीले सकतीले सरसीले सुरीले से कटीले और कुटीले चुटक चटक कीले मटक कीले हैं कीले बारे झीले तीर चीले से कसीले और फसीले हैं ललित किशोरी गारा बीले और लजीले अति हबीले छकीले और नीले से नसीले आली नैना नंद लाल के नसीले और क्या चार साल अलवेली है गज लाज रहे मस्ते मस्ते जिन देखा तिनके चित रतन अनमोल के सस्ते सस्ते यह रूप माधुरी रस रूप माधुरी बरसते हुए जात चले रस्ते रस्ते इस श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते लेकिन राधा पदम मुझे रजक कलस आते सत्य नंदलाल आवत नहीं पावे जीतर चरण धरण सब सीत जाए दिल दर जावे। जो रोक ले रहे हैं राधा रानी की चरणों की सेवा की तुम सोलो जहाँ पर सभी सखी गण है तब पल्लव पुत्र पाता इनको कैसे उत्पादन हो रहा है। कविराज जी बड़े सुंदर समान है राधिका स्वरूप है कृष्ण प्रेम कल्प लता सखी गण हंता पल्लव पुष्प पाता कृष्ण लीला मृत यदि लता के स्थित है तो नीच से है जो कोटि गुण पलवा दिल है बांछा कल्प ध्रुव है जो कृपा सिंधु तीन स्थितियां हैं। एक स्थिति है वायु दशा जहाँ पर श्री रूप गोस्वामी बाग तट के ऊपर बैठ करके सिद्धांत का विवरण करते हैं और रस का दर्शन भी करते हैं। दूसरी स्थिति है अर्धवायु दशा, जिस अर्धवायु दशा में स्वयं रस का आस्वादन भी कर रहे हैं और व्यवहार शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। और एक स्थिति है जहां रस में डूब रहे हैं। श्री श्याम सुंदर ब्रह्मचारी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के उस रस अनुभूति रसास्वादन के विषय में अपने विचार बहुत मधुर रूप में व्यक्त किए। श्री रूप गोस्वामी पाद परम श्रेष्ठ कवि होकर के विराजमान है और उनकी विभिन्न विरुद्ध और विरुद्धों के प्रारंभ में जो कलिकाएं हैं वो कलिकाएं अद्भुत हैं। श्री गोविंद वृंदावली वृंदावली लक्षण श्री नाटक चंद्रकांत श्री
भक्त रसामृत सिंधु उज्जवल नीलमणि उनके अनेक अनेक जो आचार्य ग्रंथ है, आचार्य कोटि के ग्रंथ वे अद्भुत है, तो उनका यहाँ पर दिग्दर्शन कराया है। गुरुदेव डॉक्टर बासदेव कृष्णचंद्र जी को कहीं दूसरी जगह जाना भी है, हम उनके वक्तव्य से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। यद्यपि सभापति वक्तव्य अध्यक्ष भाषण क्रम में बाद में होता है, परंतु भक्त रस में ये एक विशेषता रही है कि यहाँ सब विपर्यय है, और उस विपर्यय में पूर्वापर संबंध सब छूट जाता है, और उस लोक में कि उनके मधुर वक्तव्य को, उनके मधुर भावों को हम श्रवण करें। मैं उनके शिक्षण से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे अपने वक्तव्य से हमको आगाहित करें, श्री रूप गोस्वामी के विषय में अपने हृदय के भाव वे अभिव्यक्त करें, से श्री रूप गोस्वामी पाद को अपनी श्रद्धांजलि अपनी वंदना प्रस्तुत करें। आदरणीय सत्ताचार्य आशुकवि विद्वत वरेण्य डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी, अव्यक्तम मनोव अव्यक्तम श्रुतभैरण्यगान मुनिभिः स्वान्ते व्यचारं व्रतं ब्रह्मैतन्निखिलं जगन्निज धिया न्यद्यहाय सद्योगिभिः सत्तादार्शनिकैर्वहां यदहो बुद्धेश्च बौद्धादिभिः तत्साक्षादवलोक्यते व्रजभुवि प्रेमास्पदं धेनुकाम्। ब्रह्म क्या है? अव्यक्त, उसका है नहीं जा सकता। श्रुतियों ने जवाब दिए, भक्त आगे चला, मुनियों से पूछा ब्रह्म क्या है? अव्यक्तम श्रुतभैरण्यगान मुनि स्वान्ते व्यचार व्रतम, जो अंतःकरण में विचार किया जाता है उसी का नाम है। ब्रह्मैतं निखिलं जगन्निज धिया यद्यहाय सद्योगिभिः। अरे योगी लोगो, आप बता दो ब्रह्म क्या है? एदं खलु सर्वं, ये जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वही ब्रह्म है। ये योगियों ने जवाब दिया, श्रुतियों का जवाब हुआ, मुनियों का जवाब हुआ, योगियों का जवाब हुआ ब्रह्मैतं निखिलं ध्याय सदयोग। दार्शन को आदि बता दो ब्रह्म क्या है? बोले सत्ता, सत्ता का नाम ब्रह्म चल रहा है। सत्ता दार्शन कही रवान, रवान पर सत्ता दार्शन कही रवान यद हो बुद्धिष्ट बौद्धा देवी, बौद्धों के पास पहुंच गया भक्त। आप बता दो ब्रह्म क्या है? बोले बुद्धि। वो ब्रज में आया और श्री रूप सनातन जी की भूमि में पाया, तस साक्षात अवलोक्यते ब्रजभुवि प्रेमास्पदं धेनुपा। अरे ग्वालाओं की साक्षात गाय चराते हुए प्रभु की ये जो भूमि है, ये साक्षात
ब्रह्म है, कहीं इधर उधर मत जाओ, इसलिए यही हो। कभी कभी लोग कहेंगे कि एक ब्रज रेणु का पे चिंता बन बारे डारो बारे डारो बेस्ट सेवा कुंज के बिहार ब्रज की पनहारन पे रति सची बारे डारो, यहां ब्रज की गोपियों के ऊपर रति और सची भी छोड़ने को तैयार है। ये और राधा की चर्चा हुई, भागवत जी में प्रत्यक्ष राधा नाम नहीं परंतु वृंदा नाम है, तो राधा जी का नाम है। और हमारे गौड़ी वैष्णवों ने तो राधा नाम हो गया। और अगर आपको जिद्द है कि राधा नाम होना ही चाहिए तो आप देखेंगे, मैं उसका कुल 5-7 मिनट में वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम तो जो हमारे पास में विराजमान है इनको नमन तो कर लो, और मेरे परम प्रिय रूप गोस्वामी पर ब्रजमंडल में सर्वोत्कृष्ट कार्यकर्ता अच्युत राज जी भट्ट जिनसे जरा मिल लूं, माधुर धरा घोरणी घुरीदवाणी विलास वशीकृत जगन्नायका नाम ब्रह्मचारी कुल्या जाल की लाल पर शेषता शेष पत्र लोक बनाना ब्रह्मचार कुल्या जल की लाल पर शेषता शेष पत्र लोक बनाना माधुर्य धरा कोल्डी ग्रीण वाणी विलास वशीकृत जगन्नायका नाम भारत भारती संरक्षण संवर्धन तत्पराणाम दीक्षा समारोह उपस्थिता नाम श्री भक्त वेदांत नारायण। वंदना कृत्वा और संत लोगों को प्रणाम करके विद्वानों को प्रणाम करके से कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे, अन्यथा ये तो संचालक है इनको भी क्या प्रदान करूं, हृदय के आशीर्वाद प्रदान करके तो लेके लिए उनको जमती नहीं है हमारे आशीर्वाद तो मेरे का ऐसे महान भावों को प्रणाम करके। और श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की चर्चा करते हैं, आगे तो हम चर्चा करेंगे। एक बात बता दूं आपको, मथुरा का जो वैभव बढ़ाया और उत्कृष्टता प्रदान की मथुरा को, जिससे लोगों को कहना पड़ा श्रवणे मथुरा नयने बाबा राधे 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 राधे।
राम कोई नहीं बोले, बोले ही बोले।
गोकुल पहुंच गए और गोकुल में मिले और वहां का दोहा भी प्रसिद्ध है, सिंह समकोट कट काचिनी कर मुरली और मान यह बांक मुमन सदा बस बिहारी ला भी है। वहां भी राधा सीता नहीं राम नहीं, भैया के मिले जब दुखी हुए होनहार की बात वारना विठल नाथ जी के सुपुत्र रघुनाथ जी और उनकी बहू जी को नामो जान वे कर रही सेवा, वे कर रही गोकुल में सेवा और इनके मन में ये आया आज राम को मिले ही ना है, अब मैं कौन है प्रणाम करूं या वहां से कहां करूं पर सवेरे से राम को सुनाएंगे और वही दर्शन भए श्री राम के और श्री जगत जननी मां सीता जी के। ये है ब्रजमंडल, महाराज वहां आए और कित बोली बात भई अपने धन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ उपसंहार वहां से आगे चले राजी गए। हुआ कहते बोले बाबा नंददास राम राम, बोले राम राम पानी खींच रही औरतें सासू जी राम 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 आगे चले विवाह के बराती लौट रहे बोल बोल गुलाब लगाए रे गुलाल अमीर समी जी राम 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 जी राम राम नंददास जी देख रहे क्या कर रहे हैं उसी दास देख रहे और आगे चले राम 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 यहाँ तो बड़े राम राम ले रहे तो भी आपने मथुरा नहीं देखी का मथुरा दुर्गार बोलो तो कहा निकले भैया बोले राम मथुरा मथुरा और उल्टो करो तो बोले मथुरा बोले तू निकालो बोले बरा का बनो बोले राम और जाके तो हमें भगवान को नाम न हो मथुरा कर बाकी मामा फू अब समझे। अच्छा मतभेद को शर्म अब मैं समझ गया कि मथुरा में भगवान विराजमान हैं और वे नंददास जी खूब प्रसन्न कर गए। अब या ब्रज में पग पग पे तीर्थ प्रयागराज तज तीरथ हर राज का तन दुत कर अनुराग जेहि ब्रज के निकुंज पग 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 होत प्रयाग। ये चैतन्य महाप्रभु की है जो या बिहारी ने तज तीरथ तीरथ छोड़ दिए राधा रानी नहीं गम तीरथ कर शायद अब प्रधानमंत्री भगवत करे हम बात लड़े तज तीरथ हर राज का तन दुत करे अनुराग। प्रयाग कैसे बन गया, प्रयाग में तो गंगा जमुना सरस्वती है यहां भी तीन नदी है कौन कौन सी, अरे हरि ये तो वही सांवरे, राधा तो सांवरे तो वही जमुना क्या है महाप्रभु की कह नमामि यमुनामा हम सकल सिद्ध हेतु मुदा अनंत गुण भूषते शिवरंच देवस्तु तेजाय बता में तो भगवान तो भये जमुना जी राधा वही गोरी गंगा जी और स्वामिनी राधा जी के चरण में जो लाल लाल महावर लग रहे हो वो है गई सरस्वती। तज तीरथ हर राधिका तन दुत कर अनुराग जय ब्रज केर न
पग 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 वो बिल राधा जी मान भूमि गए। हमारे रूप सनातन जी की एक बात और सुन लो, एक तुम न कहो यो क्यों क्यों ने यहाँ के ब्राह्मण के माथुरन के सुनी कि याद है ना शंटा तुम मारो आनंद बाबा को भवन या फलानो 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 मधुपुरी मध्य चरश्याम में हम सनातन जी कब या मधुपुरी में आऊंगा कब चरण करेंगे। उनने बात और खोल दी थी, बात खुलती कब है मथुरा जी के अभिषेक में छह पुरी आई और बोली हमें आज्ञा दे क्या सेवा करें। सनातन अत्र अत्या वंत पदग्रहम कुरु करे माजे शरे छत्रम कांच ग्रहाण काश पुरतः पादु युगम धार मायो भेवर्ज संभ्रमं सुत कथा नोच्चारय वार के किंतेशा भवती सुहंत मथुरा दृष्ट प्रसादं दधे। यह चित्र आप है सनातन जी की कृपा से मैंने द्वारकाधीश में गंगा जी को जाकर दर्शन कर लिए। एक श्लोक में जीवित है उज्जैन पे पीक दान है मथुरा जी को और बीच में बैठी है मथुरा महारानी। ये परिक्रमा थी तो द्वारकाधीश में देखो मां आप चित्र बनवाओ अवंती आप ज्यादा भड़बड़ मत करो अवश्य कह जाओ है पीक दान उठाओ मथुरा जी बड़ी सेवा मिल गई। अद्यावंत पद हमको करी महेश बोले हरिद्वार माया धीरे धीरे हवा करो मथुरा रानी महेश आप मैं कांची कांची ने आई सेवा बताओ ब्रजमंडल की मथुरा की बोले छत्रम कांच ग्रहण पकड़ लो छत्रम कांच ग्रहण अब आई काशी हमें सेवा काम तो रहे हो नहीं अच्छा चलो खड़ाऊ रखो मथुरा जी काशी ने खड़ाऊ रखी है मथुरा महारानी काशपुर युगम धार अयोध्या ये बरबर मायोध्य भज संभ्रम सुत कथा नो चारे द्वार की हे अयोध्या आप ज्यादा इधर उधर की मत करो ज्यादा स्तुति मथुरा की मत करो आपको राम की जन्मभूमि है बोले सेवा तो हम करेंगे तो आप ठड़ी रह जाओ। और स्तुति कर रही द्वार का छठवीं पुरी सातवीं मथुरा वो स्तुति बोल रहे बोले ना ना ज्यादा है काऊ की प्रशंसा ज्यादा मत करो मायो देवज संभ्रम सुत कथा रोजगार द्वार की अरे कृपेशा भवती सुहंत मथुरा दृष्ट प्रसादम दे मथुरा सवे दृष्टि आज वे बीच में मथुरा भगवान यत्र नित्यम सुनने तो हरि हमारे रूप गोस्वामी जी ने ये जितनी कथा के भाग हैं ये रूप सनातन जी ने ऐसे प्रकट कर दिए जो आज से भी जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे तब तक इनकी वाणी तब तक इनकी भाषा और तब तक इनके पद और तब तक इनके नाम कृपई के लोगों ने राधा ढूंढ के निकाल दी थी महाराज ने गोस्वामी की तो मैं गौरी वैष्णव की सेवा कर रहे हो आप वेद स्तुति का कहो राधा स्तुति कहोगे अगर वेद स्तुति सतासी या अध्याय की चर्चा आगे तो क्या कहोगे आप वेद स्तुति है सर मैं वह राधा स्तुति के मैं वह राधा स्तुति मानता हूं क्यों आप पैरों श्लोक देख लो ना जय 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 जा मज तूष ग्रभी तो गुणा तम से जगात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जग दो कथा मखिल शक्यव को भगते वच दजया निगम तो पीछे पीछे चले
स्वामी जी के, अरे नाम कहाँ है? जय 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 राम, वृंदावन लीला कहेंगे गौरी वैष्णव समाज और गुरु है वे के लिए तो आचार्य ने वर्णन करो और बाकी कौन सा बच्चों को बताए तो आप भगवान
भूषण दिए गए राधा रमण प्रकट है ये शालक राम में प्रकट। वे कह रहे हैं कहां पे राम को शालक राम है, इनके न कान है ना आंखें है, वायु में तो प्रकट है ये वृंदावन राधा रमण। बोलो श्री राधा रमण भगवान गदगद है ये उत्तर में, बाद में मालूम पड़ी तो भगवान ले वृंदावन। ऐसी बात एक तरफ उत्तर देते हुए समग्र साहित्यकार और बड़े बड़े विचारवानों को, बहुत सी चीजें ऐसी है जो अभी तक खुली नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि वो दिन आए जो गोपी गीत में मंत्रोद्धार भी हमें मिल जाए। जगऊ कलम्बाम दृशाम मनोहरम, आचार्यों ने क्या अर्थ किया, कलम क्लीन की जगऊ कलम और बाम दृशा ये कोश में आता है बड़ी ई, तो कलम ई में मिल गई तो क्या गाया भगवान ने वृंदावन में क्ली और मनोहरम से मां, तो भगवान ने वशीकरण को गोपियों को क्या गाया बोले क्लीविति जगऊ। ऐसे वो दिन आ जाए मैं बहुत लालायक हूं। जयत वेद कम जन्म नाम ब्रज, पहला अक्षर कौन सा है ज, सातवां ज, जयत वेद कम जन्म नाम्रज और आगे चलो स्र, तो स्वागत सातवा श्रयत इंद्री अवाया द दय श्रेष्ठता दिक्ष दावका चिन्वते। क्या इसमें कोई मंत्र नहीं, जब करो बांद्रशाम मनोहरम में से क्लीन निकाल सकती हो। अरे भारतीय विद्वानों, मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जिस दिन गोपी गीत में से आप लोग मंत्र निकाले, तब समझा जाएगा भागवत की समझने वाले कोई है। क्यों कि एक चार बार आ रहा है कोई खेल है, स्वामी जी जो वक्ता है प्रथम चरण में वो द्वितीय में वो तृतीय में वो चतुर्थ में या दूसरा अक्षर देख लो आप समय हो गया। जय निकम जन्म ना ब्रज प्रथम चरण, फिर यो आया श्रयते इंद्रा शश्वदत्री, फिर आया दयित दृश्यताम देक्षोता, फिर आया त्वय धृता तवस्वाम निचिन्वते। शरदुदाशे सारुजा प्रसन्न, फिर सरस योदर श्री मूसा दृशा, फिर सुरत नाथ ते शुल्क दास का, फिर वरद निम्न तो मेय किंबद। पहला सातवां पहला सातवां मिलते चले जा रहे और हम उसमें ढूंढ नहीं पाए कुछ, क्या चक्कर हम ऐसे ही नहीं ढूंढ पाए। जैसा तुम्हें और माता सब लोग बोल देते हैं, हम बोल देते हैं और पता नहीं इसका ठिकाना कहाँ है। तुम्हें और माता जो पता और त्रिवण और तुम से दिया त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्रिवेणम। अखंडान जी बहुत प्रसन्न हुई जो मेरा कंधा थप थपाया था, क्यों कि मेरे एक पुस्तक लाके दिखा दी त्वमेव विद्या च गुरु त्वमेव। विद्या का संबंध गुरु से है, न कि ट्यूशन कराने वालों से। त्रिवेणम ये विद्या भी तुम अपने सभी तुम लेती हो, त्वमेव विद्या त्रिवेणम ना, त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव। उपनिषद का प्राचीन हस्तलिखित वो मैंने जब दिखाया गदगद। इस कारण अभी हमें बहुत कुछ देखना है, क्यों रूप गोस्वामी वहां लेकर आगे पीछे ले लेखक की दृष्टि वहां लेखक की दृष्टि से तीन जगह हुआ है, एक जगह नहीं है और भी है दो जगह, तो वो हमारे लिखने वालों की वजह से ऐसा।
वहां अनवर्त का ले लो विद्या ध्यान दान तप क्रिया शुद्धर नाम न तो प्रथेत्वराशन नेम लिखने वाले की गड़बड़ी हो गई कर्पाती जी स्वीकार कर दे और हनुमान प्रसाद जी ने कहा था आगे कल्याण में शुरू होने वाला है। लेखकों में ऐसा हो जाता है। रूप गोस्वामी जी की भाषा बड़ी कठिन है, बड़ी सरल है। जब वे बोलते हैं कि यमराज के पंख तोड़ कर लगाने वाले जय जय दंड प्रेकज खंड कृत दश खंड ब्रज शश खंड पुरण सबिंड स्मृत उत्कंड प्रणय करंड पद दुंड। ये क्या है भाषा, मानो नगाड़े बज रहे हैं। रूप गोस्वामी जी की वाणी, रूप गोस्वामी जी की वाणी नहीं है, सरस्वती नाची है। ये अब मैं मुक्त आनंद में आ गई। यहाँ इन्होंने मुझे तुम्हारे रथ कुंड छत बाढ़ कुंड कितना भी बड़ा हो पेट में सब ब्रह्मांड रखा हो वाणी ये हो प्रकट करके गए हमारे स्वामी के चरणों में। जिन गोस्वामी जी ने अनेक पुष्प कुछ अक्षर ये सब लिख करके दिए उन्हें प्रणाम और जो शब्द क्यों उनके बारे में कितना भी पूछते जाओ मैंने महाराज।
श्लोक श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद के रूप सनातन स्तोत्र से कहीं संकलित किए गए हैं। दो श्लोक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दो पद उनका केवल वाचन कर रहा हूँ। कंधा एक स्वरूप है श्री गोस्वामी के रूप मानने का, उनकी लीला का, उनके ब्रज निवास के कंथाम एकाम दधान कर युद्ध करो राधिका कांत लीलाम गायन ध्यायन समोदम द्रुमतल बसति कृष्ण नामान गृहन कुर्वन रोलम तो भिक्षा रोलम होना भ्रमर माधु कुर्वन रोलम भिक्षा क्वचित परमात् ब्राह्मणात् स्थूल वृत्तिम् रूपो नीचस्त्रेभ्य तरुरिव सहनो राजते कामनांत। उनके सिद्ध स्वरूप में मानसी सेवा की एक रीति, उसके विषय में श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद जो हमारे पूर्वज रहे उनके पद्य प्राप्त होते हैं। पद्य सरकार है